एवरीवन, वेलकम टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई विश यू ऑल हैप्पी तीज। सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश कि सबके तीज अच्छे से जाए। और मैं अभी नहा वहा के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो रहा था? हाँ हाँ। कभी कभी तो लगता है अपनी भगवान है। तो मैं अभी मेहंदी लगवाने जाऊंगी, क्योंकि कल मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई। ये देखिए, अभी तक मेरे हाथ ऐसे ही है। वैसे तो इस बार मेरे यहाँ पे पूजा नहीं होनी है, क्योंकि घर में घर में डेथ हो गई थी। तो बट कोई बात नहीं, पूजा नहीं होनी है तो अपना तो कर ही सकते हैं ना। अपना तैयार होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी वेहंदी लगवाऊंगी। कल रात में मैं गई 9:30 बजे, बहुत भीड़ थी, तो कल मेहंदी नहीं लगवा पाई। अब भी जाऊंगी और देखती हूँ, पार्लर में अगर खाली होगा तो मेहंदी लगवाऊंगी, और फिर आईब्रो वगैरह करानी थी वो सब कराऊंगी। तो मिलते रहेंगे आप लोगों से, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। क्या हुआ अभी? पहले भगवान का छूंगी ना। तो मयूमान, अच्छा कभी लगता है पूरी भगवान है, और आज भी है। अच्छा, आज मैं ही भगवान हूँ यार। तो ऐसे तो हाँ, आप भी नहा लीजिए मम्मी। आज मैं ही भगवान हूँ, समझ रही हूँ। पैर छू, अभी छूंगी, पहले भगवान के पैर छू लूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, आज मैं ही भगवान हूँ। अरे तुम दूसरे भगवान किसके लिए रखती हो? अपने परमात्मा पर देव पति के लिए। पति परमात्मा होता है, परमात्मा मतलब तो भगवान। आज पता है मेरे पापा का भी बर्थडे होता है, तीज के दिन पैदा हुए थे। हाँ, और डेट के हिसाब से 18 पर कोई खत्म भी हो गया था ना उसी दिन। नहीं, खत्म नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि छूट गया था। मम्मी कुछ खा ली थी, छूटता है तो उठाते नहीं है। अब गणेश चौथ जो है, जो निर्जला गणेश चौथ, जो रात को तो लोग पीते हैं तारा देखते पानी। अब ये जा रही हैं कहीं, तैयार क्या बन रहा है? नाश्ता बन रहा है। हाँ। और ये क्या है? ये अपने लिए चाय। चाय बन रही है? ओके, मतलब तुम्हारे पैर छू रही हूँ भगवान। पहले मम्मी पापा छू लो। हाँ, मम्मी पापा के छू जा रही हूँ। आओ। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे यार, क्या हुआ? मेरा छो फिर से तुम। मैं भी आई थी मेहंदी लगवाने के लिए, पर यहाँ पे बहुत भीड़ है, सब लोग बैठे हुए हैं। आज तीज है, तब भी आज भी लोग बहुत सारे लगवा रहे हैं। तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे करीब बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहंदी नहीं लग पाई है। 10-15 मिनट लगी, जल्दी लगा। मेरा बच्चा उठ गया। उठ गया? पैसे भी मुझे ज्यादा दे रही थी ना। हम्म, 200 रुपए ज्यादा दे रही थी। 400 में? 150 में, मतलब 200 पर हैंड। तो वो ज्यादा लगवा भी तो रही थी। अरे इतना बढ़ा भी दिया मैंने, नहीं लगा भाई, तू लगा। वो गुस्सा इसलिए हो गई क्योंकि लाइन ही बना दी थी। तू लगा पता था। हाँ भाई, नींद पूरी नहीं हुई तो यहाँ मत निकालना। कितना कमाया कम से? हाँ, मुझे तो मैंने 8-9 हज़ार की लगा दी मैंने। 8-9 हज़ार की? और भी। अच्छा, ये मिलता है आप लोग को कि कोई और लेता है पैसे? भाई की चाचा की दुकान है। तो इसमें से आधा मिलता होगा कि पूरा? बताओ, मेहनत करके ये लोग लगाते हैं, पूरा पैसा भी नहीं मिलता। देखो कैसे हालत हो रही है। तो पूरा क्यों नहीं देते? चाचा की दुकान है,
अरे तो कुर्सी टेबल लेके कहीं भी बैठ जाते। साल भर का कितना लगता है, क्या करते साल भर? भाड़ा भी ले देंगे। भाड़ा भी लेना, टेबल ले लो ना एक, और क्या करते टेबल ले लो ना एक। साल भर कहाँ पे? बहुत दूर लगाते हैं, बहुत मतलब कोई और काम नहीं करता, मेहंदी लगाता हूँ। कैसे सीखा भैया? बहुत मारा तुमने। कहाँ का गांव कहाँ है? राजस्थान? यूपी। यूपी कहाँ? कानपुर। कानपुर के हो? अरे वही बगल के तो हम लोग भी हैं, लखनऊ के। कानपुर में कहाँ? कन्नौज। कन्नौज हाँ। आप तो बगल के ही हो तुम तो। हम लोग जौनपुर के हैं। जौनपुर की आंटी भी हैं, सब यहीं हैं। उसके पास फोन है? फोन है? आपके पास होगा? घर में फोन ही नहीं, कहाँ रहते हो? मेहंदी लगाते हो क्या? लगाते हो? क्या करते हो? क्या करने आए हो? अरे यार तुम तो मुझसे क्यों मिलने आया? अरे ये बोल में तो लगा ना वीडियो जा रहा है, मैं बोर हो रहा हूं। जाओ जाओ जाओ, लड्डू भी उठ जाएगा, परेशान करेंगे। जाओ शादी वादी में लगवाई थी हैवी मेहंदी। कौन कौन है घर पे? मेरे कोई नहीं, दोनों भाई हैं। तब भी इतना सीख गए हो, कम है इतना तो कर ही रहे हो। इसको इसकी उम्र कितनी है बता दो। पता नहीं भाई का लड़का है। कितनी उम्र है? मैं 2 साल बड़ा हूँ तो अभी छोटा ही लगता है। ये और छोटा है तुमसे? हाँ। कैसे सीखे तुम लोग मेहंदी लगाना? इधर सीखे थे। Thank you.
मेरे को भेज दो, तुम्हें भी भेज दे, नंबर दे दो अपना, मैं सारे भेज दूंगी। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। अरे निकली हम तो में गोला बना दे ले बीच में ना पर लगा दे ले तो होगा लो तो जैसा ना सर का जा दूसरा मैं ना पॉलिश लगा दिया हां ना पॉलिश ले दो हां ना अ तो मन लाल वाला हार लगा दो नवा जल ले लिया सर के लिए घोड़े में लड़ी डाल दिया कुछ नहीं होगा, खेल रहा है ना, खेलने दो। अरे उस अरे ना यार पिंक कलर का रहे साड़ी ए पगल मुंह में हर चीज मुंह में हर चीज मुंह में डाल वही वही देख ले ना हां देखो गणपति का सामान एक ही जगह रखा है हां तैयारी चल रही है फैक्ट्री पर लगा दी थी ना हां अरे हम लोग ने भी गणपति की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कर ली है और यहाँ पे लोग अभी गणपति को ले जा रहे हैं वन बाय वन, कई अब लोगों का आना शुरू हो गया, मतलब धीरे धीरे लोग लेके जाते हैं अपने अपने घर पे सब। अभी हम लोग भी थोड़ी देर में जाएंगे गणपति जी को लेने। गणेश जी को तो चलिए मेरे साथ साथ सारे लोग। और हाँ मैंने मेहंदी लगवा ली थी और मेहंदी ऐसी रची है अभी क्योंकि थोड़ा बहुत पानी लग गया तो बहुत अच्छे से नहीं रची है बट रच गई है। तो चलिए मिल लाती हूँ अपनी सासू माँ से। ये मम्मी और पापा रेडी हो रहे हैं और लड्डू घर पे रहने वाला है, नाना के साथ घर पे रहेगा। व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।